वो उनका आखिरी वक्तव्य था और यकीन है इस बात का कि मोदी जी के जाने का समय हो गया है, कांग्रेस पार्टी के आने का समय हो गया है, हम अच्छे गठबंधन में लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। कल प्रधानमंत्री का अभिभाषण हुआ लोकसभा के अंदर, उन्होंने पहले तो उन्होंने ये कहा गया ये उनका आखिरी अभिभाषण है, जिसको लेके जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया कि बाय बाय मोदी। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि ये प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर, इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये पूरा देश कह रहा है मोदी जी का फेल प्रोडक्ट, जो देश को पीछे ले जा रहा है, जो देश पे कर्ज बढ़ा रहा है, जिस कारण से देश में अराजकता है, ऐलानिया रूप से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। तो वो उनका आखिरी वक्तव्य था और यकीन है इस बात का कि मोदी जी के जाने का समय हो गया है, कांग्रेस पार्टी के आने का समय हो गया है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं बार बार, जो फेल होता जा रहा है कांग्रेस को, ये कहाँ से फेल प्रोडक्ट? फेल प्रोडक्ट तो है जो सरकार के रूप में संचालित हो रहा है और वो फेल हो रहा है। राहुल गांधी जी के उस प्रोडक्ट में 2009 में प्रचंड बहुमत आई, सीटें बढ़ी, सरकार चलाई, देश को प्रगति दिया, बहुत सारे कानून दिया जिस कारण से देश आज चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बलिदान हैं इस परिवार के, राहुल गांधी के, जिस कारण से देश गर्व के साथ अनुभूति करता है। राहुल गांधी जी उस शहीद के बेटे हैं जिन्होंने अपनी दादी की छाती पर गोली खाई है, अपने बाप के शरीर को चितड़े होते देखे हैं, देश की एकता अखंडता के लिए सड़क पर खाक छान रहे हैं इसके बाद भी। तो मुझे लगता है भाषण में और सच्चाई में बड़ा फर्क है। कांग्रेस पार्टी देश के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के लिए और अपने उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। सर, सवाल ये है कि आपके एक लिस्ट आई है, संभ्यता लिस्ट चल रही है पूरे, कहा जा रहा है कि ये 10 नाम की कांग्रेस की तरफ से लिस्ट चल रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की भी लिस्ट इसी तरीके से आई थी, बाद में उसे कंफर्म कर दिया गया। अब इसमें आपका भी नाम है जो कांग्रेस की तरफ से लिस्ट चल रही है, बताया जा रहा है आप सुल्तानपुर से लड़ सकते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, अभी लिस्ट है, लिस्टों पे क्या वक्तव्य दिया जाए, लेकिन हाँ ये बात सच है जो कांग्रेस पार्टी सीट वाइज चर्चा कर रही है और हम अच्छे माहौल में अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, यकीनन हम अच्छे गठबंधन में लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये तो दिखा रहा है कि गठबंधन टूट रहा है, अगर लिस्ट को देखें जिस तरीके से बताया जा रहा है, सपा से अभी कोई समन्वय बन नहीं पाया है और सपा अपनी लिस्ट लेके आ रही है, कांग्रेस की ये लिस्ट हालांकि ऑफिशियल नहीं है लेकिन फिर भी ये लिस्ट घूम रही है, जहाँ से आ जा रहा है बलिया से और आपको सुल्तानपुर से दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो चर्चा है वो मीडिया में है, कांग्रेस पार्टी का अलायंस मजबूती के साथ है, सब चीज़ें लगभग तय होने के कगार पर हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया है और जल्द ही दोनों पार्टियों की ज्वाइंट तरीके से, दोनों या कह लीजिए 4-5 पार्टियां होंगी, उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया को लिस्ट मिलेगी और जीत कराएंगे। क्योंकि सर अब टाइम बचा नहीं है लोकसभा चुनाव के लेके, अलायंस इसी तरह सीट शेयरिंग करता रहा तो कब चुनाव की तैयारी की जाएगी? हम चुनाव की तैयारी में, हमारे पर्यवेक्षक जिलों में हैं, हमारे कार्यकर्ता जिलों में हैं, हम देखिए बैठकें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, हम ब्लॉक सम्मेलन कर रहे हैं, ब्लॉक संवाद कर रहे हैं, ग्राम संवाद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, और पार्टी भी कैंडिडेट रूप में काम करती है, तो कांग्रेस पार्टी भी काम कर रही है, हमारे गठबंधन लोग भी काम कर रहे हैं, यकीन हम जीतेंगे। सर, राहुल गांधी की यात्रा चंदौली से स्टार्ट होने वाली है, किस तरह की तैयारी है, क्या हर जगह जैसा जन समर्थन मिला है उस तरह मिलेगा? और दूसरी चीज, यूपी में भी बीजेपी सरकार है तो असम जैसी हालत ना हो जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर मुकाबले से लड़ने को तैयार है, हर तरह से संघर्ष करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी जिस हुजूम के साथ राहुल जी की यात्रा ने पीछे रिकॉर्ड बनाए हैं, उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे, और सारे उन चीज़ों को, अगर वहाँ पर मुश्किलें खड़ी हुई तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उन्हें जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में अगर राहुल गांधी जी की यात्रा में किसी प्रकार की कोई बाधा विघ्न डाली जाएगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से इसका जवाब देगा। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दीपक कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में कहीं भी इसको रोका गया तो कांग्रेस पार्टी असम जैसा ही जवाब फिर से देगी।